डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 1 के टॉपिक नर्वस सिस्टम की रिवीजन करेंगे। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन्स। सो द पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन विच कंटेन्स न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज, न्यूरॉन का वो पार्ट जिसके अंदर न्यूक्लियस और ज्यादातर साइटोप्लाज्म होता है उसे क्या कहते हैं, सेल बॉडी। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन विच कंडक्ट्स मैसेजेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी इज, न्यूरॉन का वो पार्ट जो मैसेज को सेल बॉडी से दूर लेकर जाता है उसे क्या कहते हैं, एक्सॉन। ह्यूमन ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन अ बोनी स्कल इज कॉल्ड, ह्यूमन ब्रेन एक बोनी स्कल के अंदर इनक्लोज्ड होता है यानी कवर होता है, उस बोनी स्कल को क्या कहते हैं, क्रेनियम। मैनी एक्सॉन्स प्रेजेंट साइड बाय साइड एंड इनक्लोज्ड इन अ कॉमन शीट, बहुत से एक्सॉन्स जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और एक कॉमन शीट के अंदर कवर होते हैं उसे क्या कहते हैं, नर्व। न्यूरॉन्स ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स कॉल्ड, न्यूरॉन जो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स के फॉर्म में मैसेज ट्रांसमिट करता है उसे क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्सिस। इम्पल्सिस मे ट्रेवल फास्ट एज डैश मीटर पर सेकेंड, न्यूरॉन कितने मीटर पर सेकेंड ट्रेवल करती हैं, 150 मीटर पर सेकेंड। सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस टूवर्ड, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज कैरी करती हैं किसकी तरफ, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। द न्यूरॉन्स विच डिसाइड अबाउट द एक्शन ऑफ अ सर्टेन स्टिमुलस, वो न्यूरॉन जो किसी मखसूस स्टिमुलस के एक्शन के बारे में डिसाइड करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इंटर न्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन आर प्रेजेंट इन, इंटरन्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।